रीवा जुए के दो फड़ों में दबिश देकर पुलिस ने दर्जन भर से अधिक लोगों को पकड़ा है। इनके पास से नगद रुपए और ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं। सुहागी में जुए का फड़ संचालित होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। तत्काल पुलिस ने टीम बनाकर दबिश दी और वहां से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 24,351 रुपए और ताश के पत्ते मिले हैं। सुहागी पुलिस को सुहागी तालाब के समीप भी जुआ चलने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने वहां भी दबिश दी। तालाब के पास 7 जुआरियों को पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से 11,410 रुपए और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। सुहागी, रीवा मध्य प्रदेश से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। सुहागी थाना क्षेत्र में जुए के विरोध में कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है और इसमें अभी इन व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही ये भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार का कोई ऐसा गैंग तो ऑपरेट नहीं कर रहा है जो कहीं अपना ग्रुप बना के ऐसा काम करता हो। पूर्व में ऐसी सूचनाएं मिली थी तो प्रभावी कार्रवाई से उसका हम लोगों ने समापन किया था। अब पुनः हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की एक्टिविटी वहाँ पर पड़े। अभी वही हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन 14 व्यक्तियों के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो वहाँ पे ऑपरेट करे, क्योंकि मैंने आपको बताया पूर्व में जो सूचनाएं थी उन सबको हमने प्रभावी कार्रवाई करते हुए कई थानों की टीम बना के लगातार दबिश दी थी, तो वो चीज़ें कंट्रोल में है। अभी पुनः एक बार एक जानकारी मिली तो उस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। सब पैसे बरामद हुए 35,000 समथिंग रुपये से मिले हैं और जो व्यक्ति हैं उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा है कि पिछला रिकॉर्ड क्या है, जिससे अग्रिम कार्रवाई की जा सके।